जी दोस्तों, कैसे हैं? ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं, मलेशिया का प्लांटेशन का जो लोग जमा किए थे उनका लिस्ट आ चुका है और सबका नाम बता दिया जाएगा। और मलेशिया का जो दूसरा बैच जो बनेगा प्लांटेशन का, उसका लास्ट डेट 12 तारीख तक का रहेगा। ठीक है, तो जो दूसरा यही रिक्वायरमेंट पे जो लोग ने जमा किया था, जो सर्विस चार्ज मिनिमम है सब कोई जानता है और प्लांटेशन का काम है, तो ये रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया जाएगा। फर्स्ट बैच का 5 अक्टूबर तक देना था और जो अब सेकेंड बैच बनेगा वो 12 अक्टूबर तक जमा करना रहेगा। ओके भाई, तो जो अब रिक्वायरमेंट, अब जो लिस्ट जिन लोग आ चुके हैं उन लोग का नाम हम बोल देते हैं, वो लोग अपना जल्द से जल्द अपना मेडिकल करा लें। जो गम का मेडिकल होता है बायोमेट्रिक, सबको बताया गया था, तो आप लोग देख लें। फर्स्ट नंबर पर अजय सिंह, धर्मराज सिंह चौहान, जय करण गुप्ता, आकाश, मुन्ना यादव, अमरजीत प्रसाद, उमेश गौड़, अब्दुल कलाम, गुड्डू सली, रमेश यादव, कृष्णा शर्मा, अरज लाल शर्मा, पिंटू गुप्ता, दीपक कुमार, मेराज अहमद, सुल्तान अली अंसारी, सुनील, सरोज प्रसाद, मुन्ना कुमार, पासपोर्ट नंबर से मैच कर लीजिएगा अपना नाम जो लोग भी होंगे, चंदन कुमार, लक्ष्मण कुमार, कलामुद्दीन अली, अजय कुमार, रितेश सिंह, शत्रुद्दीन सिंह, सुभाष सहानी, गयानंद कुमार शर्मा, बलिंद्र मल्होत्रा, शादाब मेहदी हसन, इरशाद, नेक मोहम्मद मियान, सोनू सहानी, अशोक कुमार, संजय कुमार, रामू, हरी राम पटेल, अनिल निषाद, जगाधरी, अशोक कुमार श्रीवास्तव, कमलेश श्रीवास्तव, एमडी नसीम, अनुज कुमार, गोविंद प्रकाश, हरिकेश सिंह, जुल्फिकार, राहुल 47 पे हैं, त्रिभुवन, योगेश कुमार, अमित कुमार अवस्थी, एजाज आलम, उपेंद्र कुमार चौहान, अनिल कुमार चौहान, इंद्रेश कुमार, एमडी नसीम अख्तर अंसारी, नितराम मोहम्मद साहिल, एजाज, सत्येंद्र शाह, गुड्डू शाह, इरफान, ब्रजेंद्र कुमार गौड़, वसीम खान, महादेवी पप्पू। ये पूरा 64 लोग हैं। इन लोगों को जितना जल्द से जल्द हो सके अब अपना करा कर दें और आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। ये लोग 1 तारीख से लेकर जो 5 तारीख के बीच में आए थे लोग, ये सब लोग, इतने लोगों का है लिस्ट। और जो लोग का नहीं नाम है वो लोग किसी ना किसी कारण को ऐसे वो लोग छट गए होंगे या फिर से अगर बता दिया जाएगा। फिर से ये रिक्वायरमेंट जो है 12 अक्टूबर से, ये फर्स्ट बैच का लिस्ट है, फर्स्ट बैच। सेकेंड बैच का अब जो होगा 12 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, 12 या 13 अक्टूबर तक रहेगा। आज 5 है, 7-8 दिन टाइम है इसके लिए, सेकंड बैच के लिए। अब फर्स्ट बैच वाले अपना जितना जल्दी करा कर देंगे वीज़ा प्रोसेस में जाएगा, वीज़ा आएगा। ओके भाई, तो आप लोग देख लें मोबाइल नंबर, जिस नंबर पे आप लोगों ने अप्लाई किया था, जो लोग जिस नंबर पे बात हुआ था उसी नंबर पे आप लोग बात करके आप लोग जल्द से जल्द अपना कराने के लिए जाएं। ओके भाई, तो जो अपना रिक्वायरमेंट है आप लोग रिक्वायरमेंट फिर से देख लें। सिक्योरिटी गार्ड का भी रिक्वायरमेंट है, मोबाइल नंबर सारे यहाँ पर दिया गया है। और जो ये प्लांटेशन का काम है, प्लांटेशन वर्कर का ACR ECNR दोनों चलेगा। एज 40 से 42 साल, 1500 रिंगिट सैलरी है, प्लस OT है, 27,000 इंडिया का बनेगा। ओवर टाइम ये सब अच्छे से करेंगे, 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपका सैलरी बनेगा। ड्यूटी 8 घंटा प्लस 1 घंटा ओवर टाइम रहेगा, प्लस OT रहेगा। रूम ट्रांसपोर्ट मेडिकल कंपनी की तरफ से है। अगर कोई नया आता है जो सेकेंड बैच के लिए, अब तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड फोटो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब लेके आना होगा। ठीक है, तो जो लोग भी इसमें अब सेकंड बैच के लिए आना चाहते हैं आप लोग कल से आ सकते हैं। कल से लेकर 12 तारीख के बीच में, 13 तारीख के बीच में आप लोग आ सकते हैं। ओके भाई, आप लोग जितना जल्द हो सके सेकेंड बैच के लिए आप लोग आ जाइए। तो आप लोग जो लोग का भी ये लिस्ट है भाई, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग जाकर कराने की कोशिश करें और मेडिकल के लिए आप लोगों को पासपोर्ट ऑफिस से लेके जाना होगा। तो आप लोग रिक्वायरमेंट देख लीजिए।
ये सेकंड बैच का आप 12 अक्टूबर तक रहेगा सेकंड बैच का। तो आप लोग जितना जल्द हो सके आकर अपना जमा करें, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं जमा करके अपना जा रहे हैं। तो सेकंड बैच वाले जितने भी लोग हैं 12 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच बीच लास्ट बैच सेकंड बैच का रहेगा। प्लांटेशन का काम है, अच्छा काम रहेगा। प्लांटेशन में फल जो होता है पालम का, वो सब आपको तोड़ना है, कटिंग करना है, आप लोगों को दिखा देते हैं। जो लोग नहीं जानते होंगे तो उन लोगों को फिर से एक बार बागान उस जो होता है उस हम दिखा देते हैं। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए ऐसे ही पालम होता है, जो छोटा छोटा उतना भी हाइट का पेड़ नहीं होता है, यही होता है। आप लोग देख लीजिए जिस तरह लोडिंग कर रहे हैं, ऐसा ये इतना 10-10 किलो 15-15 किलोमीटर के एरिया में फैला रहता है। यही सब आप लोगों को काटना है, पीटना है, तोड़ना है, जैसे ये काम कर रहे हैं। इस कंपनी के सब तरफ से सब आपको सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लव्स, सब कुछ मिलेगा, हेलमेट, सारे चीज़ें मिलेंगी प्रॉपर तरीके से। यही मेन यही काम है आपका पालम का, देख लीजिए अच्छा काम है, सैलरी भी बढ़िया है, सैलरी कोई ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, अच्छा से लोग। इसका वीडियो भी डाला गया है, जो वहाँ से रिटर्न आए हैं रिटर्न वालों के भी वीडियो डाला गया है। अच्छे से अच्छा सैलरी इसमें आदमी कमा सकता है पहुँच गए तो। देखिए बगान 10-10 किलोमीटर के एरिया में रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, प्लांटेशन वर्कर का जो अपना काम है पूरी तेजी के साथ चल रहा है। फर्स्ट बैच अब फुल हो गया, अब सेकेंड बैच स्टार्ट होगा। सत्येंद्र कुमार भाई, अभी तक ना किसी का मेडिकल हुआ ना किसी का हुआ, तो कैसे आपका वीजा मिल जाएगा भाई मलेशिया का? जिनसे बात हुआ आप उनसे बात कीजिए, और आपका लिस्ट में नाम भी नहीं है सत्येंद्र शाह का। सत्येंद्र शाह 59, आपको अभी लिस्ट में नाम आया, आप अभी जाएंगे ऑथराइज्ड सेंटर से मेडिकल करा कर देंगे, उसके बाद ना आपका वीजा प्रोसेस होगा, कि वीजा ऐसे ही आ जाएगा। ऑफिस में आकर बात करते हैं आप लोग, सब टर्म एंड कंडीशन लाइव में भी बता दिया था, उसके बावजूद भी आप लोग परेशान करते हैं। जो अपना ये सुपर मार्केट के लिए काम चल रहा है, ई कॉमर्स हेल्पर, कॉफ़ी शॉप वर्कर, सुपर मार्केट वर्कर, ठीक है, 600 लोगों की ज़रूरत है। बेसिक इंग्लिश वाला लड़का जो भी होगा कैंडिडेट, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, रेडी वकाला है, सेम डे सिलेक्शन या 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सिलेक्शन मिलेगा। 10 घंटा ड्यूटी रहेगा प्लस ओटी रहेगा। इसमें आपका एज 21 साल से लेकर 35 साल एज होनी चाहिए। ईसीआर ईसीएनआर दोनों चलेगा, डबल डोज वैक्सीन लगा रहना चाहिए। तो जो लोग भी है ई कॉमर्स हेल्पर, कॉफ़ी शॉप वर्कर, सुपर मार्केट या वेयर हाउस में जाना चाहते हैं भाई, आप लोग जल्द से जल्द ऑफिस पे संपर्क कर सकते हैं। और जो अपना कतर के लिए हाउस ड्राइवर का काम है, जीसीसी लाइसेंस, ठीक है, जीसीसी लाइसेंस वाले लोग चाहिए, जो इनके पास गल्फ का लाइसेंस हो, सऊदी का, कुवैत का, ओमान का ऐसा लाइसेंस हो, लाइट लाइसेंस है भी नहीं, लाइट लाइसेंस, उनके लिए कतर में 1500+ फुट का काम है। मोबाइल नंबर भी दिया गया, एड्रेस यहाँ पर दिया गया, डीआर केमिकल 84 सोनोली रोड, गोरहनाथ, गोरखपुर। अगर एड्रेस अभी हम फिर से दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, सुपरमार्केट ये सॉरी हाउस ड्राइवर का काम है, 1500+ फुट है, गल्फ लाइसेंस चाहिए, ओके भाई। तो वीडियो जो लोग भाई भी देख रहे हैं शेयर कर दें, और जिन भाई लोग का भी 21 साल से लेकर 35 साल एज हो चुका है, ये असिस्टेंट समझ जाइए, असिस्टेंट स्टोर कीपर का ही काम होता है, जो ये सुपरमार्केट वर्कर ये सब उसी लेवल का काम होता है, ठीक है। और ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है, लोग सोच रहे हैं 1500-2000 सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता है सुपरमार्केट ये सब में, हेल्पर का यही सैलरी होता है। इसमें पैकेजिंग, लोडिंग, लोड अनलोडिंग ये सब काम करना आपको रहेगा। तो अच्छा काम है, जो लोग जा सकते हैं आप लोग जा सकते हैं, ओके भाई। तो मलेशिया के लिए अब सेकंड बैच का 12 से 13 तारीख तक रहेगा, लेकिन ये नहीं कि 10 कमाएं 15 कमाएं, जितना जल्द हो सके तो 8 तारीख तक ही सेकंड बैच फुल हो जाए, ठीक है, 8 तारीख तक ही सेकंड बैच फुल हो जाए, 9 तारीख तो ये आप इंतज़ार मत करिएगा कि 12 तारीख को जाएंगे
11 तारीख को जाएंगे, तो जितना जल्द हो सकेगा उतना जल्द इसके लिए आ जाइएगा। और ये वकाला रेडी का जो अपना यहाँ इंटरव्यू होगा 150 हाउस ड्राइवर, तो इसका लाइव किया गया है पिछले, इससे पहले आप लोग देख सकते हैं। हाउस ड्राइवर फ्रेशर चलेगा, जो लोग भी 22 से 43 साल के बीच में एज हो वो लोग डायरेक्ट ऑफिस पर लाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दें। रेट बहुत मिनिमम इसका भी सर्विस चार्ज है, आप लोग आकर जमा कर सकते हैं ऑफिस पे, जो लोग भी फ्रेशर होंगे। इसका सेपरेटली वीडियो डाला गया है। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो अपना रिक्वायरमेंट है, अभी भी रिक्वायरमेंट ओपन है। सिक्योरिटी गार्ड में 2150 सीरा जब बन जाएगा तो मिलेगा, और सीरा से पहले 1-2 महीना पहले आपको 1650 सैलरी मिलेगा। इसमें आपका इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए, सेम फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 58 किलो से लेकर 95 किलो आपका वेट होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर से हाइट नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल रहेगा, 12 घंटा का ड्यूटी रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल जो भी रहेगा कंपनी का प्रोवाइड रहेगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, सीवी सिलेक्शन या वीडियो होगा। ओके भाई, तो जो भाई भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, और आने के लिए देख लीजिए डायसन इंटरप्राइजेस, आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे डायसन इंटरप्राइजेस, गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे आप लोग को पूरा एड्रेस मिल जाएगा। आप लोग एड्रेस देख सकते हैं, केमिकल चौराहा सनौली रोड गोरखनाथ गोरखपुर, ठीक है, केमिकल चौराहा सनौली रोड गोरखनाथ गोरखपुर ऑफिस का एड्रेस है। आप लोगों को गोरखनाथ से आप लोगों को आना कैसे, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से उतरेंगे, आपको सीधा वहां से गोरखनाथ की गाड़ी पकड़नी है। गोरखनाथ की गाड़ी पकड़िए तो बोलिए कि हमको गोरखनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे चंद्रा पेट्रोल पंप या रोमानिया होटल पड़ेगा, उससे 100 कदम की दूरी यानी 100 मीटर की दूरी पे आपको यूटर्न मिलेगा, वहीं पे उतर जाना है। कजरिया टाइल्स है, कजरिया टाइल्स के बगल में अपनी ऑफिस है। ओके भाई, ठीक है, तो आप लोग जो लोग भी हैं देख सकते हैं। जो लोग भी हैं भाई, बहुत दूर दूर से लोग हैं, कोई बिहार से कोई कहीं से, तो आप लोग आ जाइए। ई कॉमर्स हेल्पर में जो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हल्का फुल्का इंग्लिश आती है, तो आप लोग आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आज ही 15 लोगों का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, अभी इंटरव्यू हुआ है तो उन लोग का लिस्ट अभी आया नहीं है, जैसे उन लोग का लिस्ट आएगा उन लोग का भी डाल दिया जाएगा। तो जो लोग भी ई कॉमर्स हेल्पर में अपना डॉक्यूमेंट दिए हैं, और भी जो आगे वाले लोग हैं वो लोग आने की कोशिश करें, ठीक है भाई। तो वीडियो भाई जो लोग भी देखें प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो मलेशिया प्लांटेशन का फर्स्ट बैच अब फुल हो चुका है, सेकंड बैच के लिए आप लोग कल से 6 तारीख से लेकर 12 या 13 तारीख तक खुला रहेगा, लेकिन उससे पहले भी फुल हो जाएगा तो लिस्ट जारी करके डाल दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए, अच्छा से अच्छा सैलरी है, 1500 रिंगिट सैलरी है, उसके ऊपर से आपका ओवर टाइम मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छा सैलरी उठा रहे हैं लोग, लेकिन हम आपको 1500 का ही कमिटमेंट कर पाएंगे, बेसिक सैलरी का ही ऑफिस वाला कमिटमेंट करता है। आप लोग ओवर टाइम लोग अभी तक गए हैं, रिटर्न भी वहाँ से लोग आए हैं, लोग बता रहे हैं जैसा, तो बहुत ही अच्छा सैलरी है। तो जो लोग भी लिस्ट में नाम आ चुका है, अभी बहुत 15-20 लोगों का नाम उसमें छट गया है, नहीं उन लोगों का नाम एक्सेप्ट हुआ है, तो उन लोगों का नाम हटा दिया गया है। तो ये लिस्ट अब जारी किया गया, आप लोग जल्द से जल्द अपना ऑफिस में संपर्क करके अपना जाने की कोशिश करें। ओके भाई, भाई सिविल इंजीनियर का भी वीजा नहीं आता है, लेकिन अभी है नहीं, आएगा तो आपको डाल दिया जाएगा, मेल आईडी पे अपना रिज्यूम ये सब डाल दीजिए। तो जो भाई भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, दबाकर शेयर कर दीजिए, सारा ये होने वाला काम है, ये भी ये नहीं है कि काम नहीं होगा, काम होने वाला है। जितने भी 5-6 रिक्वायरमेंट दिया गया है, सारा रिक्वायरमेंट अभी फुल नहीं हुआ है। और भाई कॉन्टेक्ट नंबर हर में दे दिया जाता है, दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग चेक कर लीजिए।
प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी प्लांटेशन में जाना चाहते हैं, प्लांटेशन का पूरा हमने दिखा दिया है, पालम पूरा 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर के रेंज में ये लोग का होता है, ठीक है, 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर के रेंज में इन लोग का बगान होता है पूरा, और आप लोगों को रहने का पूरा अच्छा से अच्छा सुविधा मिलता है। ये नहीं है कि आपको कहीं भी आपको टेंट गाड़ दिया, ऐसा नहीं है, अच्छा सुविधा मिलता है सारा, वहाँ पर ट्रेनिंग मिलता है, ग्लव्स मिलता है, आपको हेलमेट मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, सारा चीज़ एकदम स्टैंडर्ड के तरीके का है। ये नहीं है कि आपको बंडी पहन का काम करना है, ठीक है, पूरा आपको सेफ्टी के साथ काम करना है वहाँ पे। तो आप लोग देख लीजिए भाई, मैकेनिकल हेल्पर का कई दिन से डाला जा रहा, आप लोग नहीं आ रहे तो क्या बोला जाए। और जो अपना दिल्ली में इंटरव्यू होने वाला है, जो उसमें नंबर दिया गया है, वही आप लोग नंबर आप लोग पे ट्राई करें। ये नहीं है कि किसी और नंबर पे, किसी किसी भी नंबर पे आप लोग ट्राई करने लगे। अलमराई कंपनी का जो अपना इंटरव्यू होने वाला है, आप लोग को वो भी दिखा देते हैं, आप लोग के रेफरेंस में अगर कोई है उस ट्रेड का तो आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। दिल्ली अपने ऑफिस पे इंटरव्यू जो होने वाला है वो भी आप लोग को दिखा देते हैं, अगर आप लोग के जानने वाला कोई भी हो तो आप लोग भेज सकते हैं। देख लीजिए, जो अपना दिल्ली में अलमराई कंपनी का जो काम होने इंटरव्यू होने जा रहा है, इसमें आपका मेसन 600 चाहिए, 1400 प्लस 400 सैलरी है प्लस ओटी है, सटिंग कारपेंटर 50 चाहिए, 1400 प्लस 400 सैलरी है। देखिए सैलरी पहले आप लोग देख लीजिए, और सब कंपनी 200 सैलरी 200 खाने के लिए देती है, लेकिन यहाँ पे आपको 400 मिल रहा है प्लस ओटी है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और टिग एंड मिग वेल्डर, ये तीनों ट्रेडों में आपको ITI या डिप्लोमा होना कंपलसरी है, और बेसिक इंग्लिश की जानकारी होना एकदम जरूरी है, और इस रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ ECNR पासपोर्ट चाहिए, ECR नहीं चाहिए, ECNR पासपोर्ट चाहिए हम लोगों को। और टिग और मिग जो भी मारते होंगे उनके पास रनिंग कार्ड होगा तो इजली सिलेक्शन हो सकता है, टिग एंड मिग वेल्डर का विदेश का रनिंग कार्ड हो तो इजली हो सकता है। दिल्ली में अपना इंटरव्यू है 12 और 13, आपको एक दिन पहले लाकर डॉक्यूमेंट दिल्ली ऑफिस में जमा करना होगा, ठीक है, यानी 11 तारीख को आपको लाकर जमा करना होगा। मोबाइल नंबर इस पे दिया गया, सिर्फ इसी नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग भी इसमें जाना चाहेंगे, अपना अलमराई कंपनी है, कंपनी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और मिनिमम सर्विस चार्ज है इसका भी, और जो लोग भी मेसन सटिंग कारपेंटर हैं, ECNR पासपोर्ट होना चाहिए, सब इस रिक्वायरमेंट के लिए ECNR पासपोर्ट होना चाहिए। 12 से लेकर 12-13 इंटरव्यू चलेगा, लेकिन 11 तारीख तक आपको ऑफिस में लाकर देना है CV, पासपोर्ट, ये सब देना है, तभी आप लोगों का आगे का इंटरव्यू हो पाएगा। और इस नंबरों पे अपना व्हाट्सएप पे अपना PDF फाइल भेज सकते हैं, PDF फाइल भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, एड्रेस लेना हो एड्रेस ले सकते हैं। लेकिन जो लोग भी हैं खान खुल के सुन लें कि भाई आपको 11 तारीख को पहुंचना है ऑफिस पे, ये नहीं है कि हम 12 तारीख को आएंगे, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपका फॉर्म भरना पड़ता है, एक्सेल शीट बनाना पड़ता है, क्लाइंट के सेंटर में आपको लेकर पूरा ये करना पड़ता है, उसी हिसाब से सेंटर में पूरा जो तैयारी होता है वो तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। और अगर 12 तारीख को पहुंचेंगे तो फिर क्या मालूम कि आपका 400 नंबर बाद आपका नंबर आए, 500 नंबर बाद आए, तो रात हो जाएगा आपको, 9 बजे आएंगे रात हो जाएगा इंटरव्यू देते देते। तो यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिए, आप लोग ये ध्यान में रखिए आप लोग, कि जितना पहले आएंगे आप लोग का नंबर उतना ही पहले आएगा, तो आप लोग वीडियो को भाई जो लोग भी हैं, अलमराई कंपनी है, मिनिमम सर्विस चार्ज है 1400 प्लस 400 सैलरी है प्लस ओटी है, मेसन सटिंग कारपेंटर, ये सब पूरा जो ट्रेड है, गल्फ रिटर्न इंडियन एक्सपीरियंस सब चलेगा, ओनली ECNR पासपोर्ट चाहिए, सिर्फ ECNR पासपोर्ट। जो लोग भी मेसन सटिंग कारपेंटर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आप लोग दिल्ली जाने की तैयारी बनाएं अपने ऑफिस पे, और पूरी सुविधा वहाँ पर बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, और इंटरव्यू आपका होगा, लेकिन ECNR पासपोर्ट वाले ही सिर्फ आएंगे।
ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए जो भी है। तो अब वीडियो को भाई यहीं पे समाप्त किया जा रहा है, और जो लोग भाई भी वीडियो देखे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, और जो अपना अलबनाई कंपनी का काम है इसके लिए भाई, अगर जो भी लोग भी हैं, जो लोग भी इसके लिए हैं आप लोग के जान पहचान वाले, जो लोग भी हैं अलमराई कंपनी, आप लोग सऊदी में फ़ोन करके पता कर सकते हैं, और अलमराई कंपनी को लगभग लगभग अपने तरफ पूरे लोग जानते हैं अलमराई कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, इसका कंपनी का स्टेटस बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आप लोग देख लें। और जो भाई भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, सब टॉप लेवल कंपनी का काम डाला गया है, सब टॉप लेवल कंपनी का काम डाला गया है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो अलमराई कंपनी का है, जो लोग भी अलमराई कंपनी का है आप लोग अलमराई कंपनी का शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अलमराई कंपनी के लिए इंटरव्यू जो होगा आप लोग 11 तारीख को दिल्ली में ऑफिस में आप लोगों को जाना रहेगा। ठीक है, तो जो कंपनी है अलमराई, और बहुत लोग बोलते हैं कि हमको बहुत बड़ी कंपनी में जाना है, तो बड़ा कंपनी का आ चुका है मेसन, बहुत लोग हैं मेसन लोग आते हैं, तो उन लोगों का सीधा एक ही रहता है कि हम लोग को बड़ा कंपनी में जाना है, तो आप लोग देख लीजिए। और बहुत ऐसी होती है 90% की बड़ी कंपनी कम सैलरी देती है, लेकिन ये कंपनी आपको ज़्यादा सैलरी दे रही है, जो सैलरी दे रही है आप क्लाइंट के फेस टू फेस बैठेंगे, अपना सैलरी डिस्कस कीजिए, अपना सैलरी लगाइए अच्छा से अच्छा, अपना वीज़ा पूछिए कि हमारा वीज़ा सर कितने दिन में मिल जाएगा, सब कुछ आपको क्लाइंट के सामने सामने है, ये नहीं कि जूम इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है, आपको ट्रेड वहाँ पर रहेगा, जूम इंटरव्यू ये सब नहीं, क्लाइंट के फेस टू फेस आप बात करेंगे, तो आप लोग देख लीजिए और वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए। मेसन शटिंग कारपेंटर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग भी हैं इस CNR पासपोर्ट अपना दिल्ली में आने की पूरी कोशिश करें। ओके भाई, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेशर का हो जाएगा भाई, फ्रेशर रिटर्नर सब चलेंगे, एक बात आप लोग याद रखिए फ्रेशर रिटर्नर सब चलेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस सही होना चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, और जो PDF अपना लेके आइएगा, PDF फाइल भी लेके आइएगा और हार्ड कॉपी भी लेके आइएगा, प्रिंटर से निकलवा के कॉपी भी लेके आइएगा। ठीक है, गोरखपुर में आपका बन जा रहा है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहेगा तो नहीं बन पाएगा आपका डॉक्यूमेंट जल्दी, तो आपके पास अभी टाइम है, आज 5 खत्म हो गया, 6 कल है, 7 है, 8 है, 9 है, आप बनवा सकते हैं, 10 को गाड़ी पकड़ेंगे, 11 को आप ऑफिस में आइए, अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, फिर जाइए आराम कीजिए, 12 तारीख को आपको सुबह में बुला लिया जाएगा। ओके भाई, तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, जितने भी रेफरेंस के लोग हैं, आप लोग इस पर तवज्जो दें, आप लोग इस पर इसको, आप लोग अगर कंपनी के बारे में कुछ डाउट है नहीं जानते हैं, तो आप लोग जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं विदेश में जो सऊदी काम करते हैं या दुबई काम करते हैं, लगभग लगभग पूरी लोग ये कंपनियों के बारे में जानते हैं। ओके भाई, तो वीडियो को समाप्त किया जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और रिटर्नर फ्रेशर सब चलेंगे, लेकिन CNR पासपोर्ट सिर्फ।